फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम इन NRPS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। एज यू नो, योर ऑनलाइन स्टडी हैज स्टार्टेड। टुडे वी आर नोइंग अबाउट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि आपके क्लास फर्स्ट का इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपके लेसन का नाम है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप सभी जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम, अल्फ़ाबेट जो होती है वो वर्णमाला होती है। इसकी डेफिनेशन आप देखो, अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे? अल्फ़ाबेट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ combined from all the 26 letter of English alphabet। आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो क्या है? अल्फ़ाबेट हम किसको कहेंगे? जो आपके 26 लेटर है उसकी कंबाइंड यानी पूरी फॉर्म को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे A to Z पूरा कंबाइंड फॉर्म है फ्रॉम, तो हम इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो कितने होते हैं अक्षर पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में? 26 लेटर या फिर अक्षर होते हैं। कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल? 26। कितने होते हैं? 26। A to Z जो है आपके वो 26 क्या है? लेटर है। अब हम लेटर किसको कहेंगे वो पढ़ेंगे। लेटर होता क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यानी जो आपके लेटर हैं वो सबसे छोटी इकाई है किसकी? भाषा की। भाषा आप सभी जानते हो, भाषा किसको कहते हैं? जो कुछ भी हम बोलते हैं वो क्या है? भाषा है। वाट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड लैंग्वेज, यानी जो कुछ हम बोलते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो होती है आपके कंबाइंड फॉर्म होती है लेटर्स की, अल्फ़ाबेट की, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। और जो है लेटर किसको कहेंगे? लेटर जो है सबसे छोटी इकाई है किसकी? लैंग्वेज की। हिंदी भी देख लो आप इसको। भाषा की सबसे छोटी इकाई को
अक्षर, लेटर का मतलब अक्षर होता है हिंदी में, अक्षर कहते हैं, ठीक है। लेटर टू टाइप्स के होते हैं आपके, एक तो वोवल्स होता है और कॉन्सनेंट होता है, उसके बारे हम अब बाद में पढ़ेंगे। पहले है आपके जो लेटर्स है वो कितनी तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको लिखना है इंग्लिश अल्फाबेट में दो तरह के अक्षर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर, यानी कि जो वो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो दो तरह के लिखी जा सकती है। एक तो होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। सभी जानते हो आप कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, जानते हो? नहीं जानते तो आपको बताते हैं कौन से होते हैं। कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर, और स्मॉल लेटर मतलब छोटे अक्षर। कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर और स्मॉल लेटर मतलब छोटे अक्षर। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितनी तरह से लिख सकते हैं, दो तरीके से, एक तो कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं और एक स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में हमने पढ़ा है कि अल्फ़ाबेट जो है कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि पूरा जो कंबाइंड है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ए टू जेड, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है कितने होते हैं टोटल, उसमें लेटर कितने होते हैं, अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये टोटल मिला के कितने हैं, 26 हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर है आपके लेटर। लेटर जो है लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। तो अब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है, दो तरह से होते हैं उसके अक्षर, एक तो कैपिटल लेटर के अक्षर होते हैं और एक स्मॉल लेटर के अक्षर होते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे कैपिटल लेटर राइटिंग, कैपिटल लेटर फॉर राइटिंग, लिखने के बड़े अक्षर, यानी कि बड़े अक्षरों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। कैपिटल लेटर फॉर राइटिंग, लिखने के बड़े अक्षर, ठीक है। फर्स्ट जैसे आपके ये फोर लाइन की नोटबुक है,
ये आपके 4 लाइन की नोटबुक है, तो लिखने के लिए जो कैपिटल लेटर होते हैं, मतलब कर्सिव राइटिंग जिसको कहते हैं, उसके लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट होता है ए, तो ए कैसे लिखेंगे कर्सिव राइटिंग में, कितनी लाइंस में आएगा वो, 3 लाइंस में आएगा। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, लेके जाना है नीचे लेके, ए आया समझ में, वापस बनाती हूँ मैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लाना है, वापस उसमें से ले जाके, ये ए। ओके, बी ट्राई करते हैं, बी भी ऊपर की 3 लाइंस में ही आता है, ये बी। ठीक है, ऐसे लाइन बनानी है फर्स्ट, उसको ऊपर लेके जाना है, उस लाइन को ऐसे, एंड ये बी। आया समझ में? ठीक है, हम आगे का वर्ड देखते हैं, सी। ये भी जो है आपके 3 लाइंस में है, सॉरी, वापस देखेंगे हम इसको। सी आपके 3 लाइंस में बनेगा, तो ये इसके टच होना चाहिए। ठीक है, ये इसके टच होना चाहिए। मैं वापस बना देती हूँ एक बार, बिकॉज़ ये थोड़ा सा पेन की वजह से गड़बड़ा गया है। से स्टार्ट करेंगे हम नीचे से, ऊपर जाएंगे, और फिर दैट्स द सी। आया समझ में? अब हम बनाएंगे, आपको ए बी एंड सी आ गया होगा लिखना। डी बनाते हैं अब हम, डी अब हम बनाएंगे, तो डी भी आपके 3 लाइंस में ही आता है, ऊपर वाली 3 लाइंस में। आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट ऊपर वाली लाइन से, नीचे आना है, दैट्स डी। ओके, ऊपर से स्टार्ट करना है, नीचे से राउंड करके, ये डी बन गया आपका। ठीक है, हमने ए की जो है ए देखा, हमने बी भी देख लिया, सी बनाना भी देखा है, डी बनाना भी देखा है। आई रिपीट अगेन दिस, मैं आपको इनको वापस बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। फर्स्ट हम लाइन ड्रॉ करेंगे, आपके पास तो 4 लाइन की नोटबुक होगी ऑलरेडी। अब हम जो है यही वर्ड्स मैं आपको वापस बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। फर्स्ट आपको नीचे से स्टार्ट करना है, ऐसे ऊपर लेके जाना है, नीचे लाना है, यहाँ से राउंड करना है। फिर है आपके बी, बी ऐसे लेके जाओगे, ये बी। फिर है आपके सी, भी 3 लाइंस में आएगा, ऊपर वाली सी, ये इसके टच होना चाहिए, सॉरी। फिर है आपके डी, दैट्स द डी। आया समझ में? आपको जो है बस ध्यान रखना है कि कौन सा किस वर्ड में आ रहा है, और उनकी शेप ध्यान रखनी है कि इसकी शेप कौन सी है। अब हम देखेंगे
अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट देखेंगे हम, डी के बाद में क्या आता है, ई। ई जो है आपके जो कर्सिव राइटिंग है उसमें ई जो है आपके थ्री लाइंस में आता है ऊपर की में, उसमें फर्स्ट ऐसे बनता है, फिर सेकंड ऐसे राउंड करना है, ये आपके सिंपल सा है ई, यहाँ से ऐसे करना है, ये ई हो गया, ये टच होना चाहिए लाइन के, बिकॉज ये बहुत बड़ी बड़ी लाइन है इसलिए रह जाता है। आया समझ में? ई बनाना भी देखा हमने, वापस बना देती हूँ मैं एक बार आपके लिए, ये ई, ठीक है, लिखने वाला जो कर्सिव राइटिंग है उसकी ई ये है। अब हम देखते हैं एफ के बारे में, सीधी आगे बना देती हूँ, अब हम देखते हैं F बनाना। F को कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ से थ्री लाइंस में स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करके नीचे लेके जाना है, थ्री लाइंस में ऐसे J बनाना है और उसमें बीच में लाइन करनी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, F हो जाएगा। वापस बता रही हूँ मैं एक बार आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे लेके जाना है, नीचे से घुमा के और बीच में लाइन करनी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, F हो जाएगा। अब आपको जो मैंने बता दिया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, हमने ये जो है छह लेटर्स जो है लिखना सीखे हैं, आपको नोटबुक में यही लेटर्स को वापस रिपीट करना है। तो और आपको ये सारे लेटर्स कितने लाइन में आ रहे हैं, ओनली थ्री लाइंस में आ रहे हैं, ऊपर वाली थ्री लाइंस में वो ध्यान रखना है और उनको इनकी शेप जो है आपको नोटबुक में बनानी है। एस डब्ल्यू देख लो आपका, राइट, A to F, ठीक है, आपको A से F तक लिखना सीखना है, आपको बता दिया है कैसे बनाना है, आपको ये बनाना है। और अल्फ़ाबेट के बारे में बता दिया आपको, कितने होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट, 26 होते हैं। उसमें हम जो है अल्फ़ाबेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, कौन कौन से, एक तो कैपिटल लेटर में और एक स्मॉल लेटर में, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये आपको आपके एस डब्ल्यू में करना है। थैंक यू वेरी मच।